Hello, my dear students. Welcome to Surekha's Chemistry Hub, Chemical Kinetics Volume 2. In Volume 1, I have told you about the Gulberg and Vaj they gave chemical kinetics law of mass action. But that was very old kind and it was replaced by rate law expression, jisme ki power se decide hota tha ki order of reaction kya hai. लॉ ऑफ मास एक्शन में जो आगे लिखा होता था स्टोशियोमेट्रिक कोफिशेंट उसी को पावर्स बना दिया जाता था, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि नो, पहले लैब में एक्सपेरिमेंट करो उसके बाद उसकी पावर्स डिसाइड करो, और पावर्स के बेसिस पर हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. रिकैपिचुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. आइडेंटिफाई द ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट. मीन्स कभी कभी ये वैल्यूज दी होती हैं, के की वैल्यू गिवन है. देखो यूनिट को बड़े ध्यान से देखो, इस यूनिट से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है. लीटर पर मोल पर सेकेंड वाली सेकेंड ऑर्डर की थी, पर सेकेंड वाली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और मोल पर लीटर पर सेकेंड जिसमें यूनिट रेट वाला होता है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है. ओके इसके बाद है, What is molecularity of reaction? Molecularity is the number of atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction. Molecularity has no meaning for complex reaction. Iska meaning kya hai? Well, molecularity kya hoti hai? Kisi bhi reaction mein jo number of atoms de rakhe honge reactants ke, jo ek saath collide karenge, एक साथ कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहते हैं मॉलिक्युलैरिटी. लेट मी टेल यू, मॉलिक्युलैरिटी कभी जीरो नहीं होगी जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होता था. मॉलिक्युलैरिटी कभी माइनस में नहीं होगी जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माइनस में होता था. ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी होता था. इसका मीनिंग क्या है कि मॉलिक्युलैरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है विच टेक्स प्लेस इन टू और मोर देन टू स्टेप्स, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. राइट, नेक्स्ट है डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. दिस टॉपिक इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, राइट, लेकिन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी. डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में क्या बताएंगे, मैंने अभी आपको बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो टू या मोर देन टू स्टेप्स में होती है, और इन्हीं स्टेप्स को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. The series of step reaction or elementary reaction proposed to account for the overall reaction is called mechanism of reaction. From the mechanism, we can write the rate law expression and vice versa. अब question कैसे आएगा exam में, ये देखो. For the reaction, ये reaction given होगी 2N2O5, 4NO2 plus O2. Rate law expression भी दिया हुआ है, K into N2O5 की कंसेंट्रेशन की पावर 1, कहता है मैकेनिज्म बताओ इसका. ये आपका क्वेश्चन है. अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा मैकेनिज्म है. सी केयरफुली, यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं 2, यहाँ पे पावर कितनी है 1. इसका मतलब ये रिएक्शन एक स्टेप में तो नहीं होगी. जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं. अच्छा, अब हम इसका मैकेनिज्म कैसे प्रपोज करेंगे. पहले स्टेप में आप वही लिखेंगे जो इसमें गिवन होगा. पहले स्टेप में क्या गिवन है, खाली N2O5 का 1 मॉलिक्यूल इज गिवन, तो आप भी 1 लिखेंगे. स्लो, हमने स्लो कैसे डिसाइड किया, क्योंकि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो भी लिखा होता है वो स्लो स्टेप का होता है. स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो N2O5 NO2 और NO3 में टूटेगा, राइट. इस NO3 को दोबारा उठा लो क्योंकि हमारी मेन रिएक्शन में इसका कोई भी यूज नहीं है. और N2O5 एक और उठा लो. व्हाई, बिकॉज आपकी मेन रिएक्शन में 2N2O5 दे रखे हैं, एक्सप्रेशन में एक दे रखा है, तो अब हमें दो तो लेने ही पड़ेंगे ना. पहले स्टेप में आपने ये वाला ले लिया, NO2 NO3 बनाया, फिर अगले स्टेप में इसको भी उठा लिया, एक N2O5 और ले लिया, 3NO2 और O2 बन गया. देखो ओवरऑल रिएक्शन वो बनती है, यस ये कट जाएगा, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2. वेल, अगला देखते हैं. तीन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है. नेक्स्ट है फॉर 2H2O2 आई नेगेटिव, दिस इज द रिएक्शन गिवन. अब रेट लॉ क्या दे रखा है, H2O2 और आई नेगेटिव दे रखा है, और हमें कहता है मैकेनिज्म प्रपोज करो. राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू टू राइट डाउन द मैकेनिज्म, वी हैव टू टेक दीज थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेप.
whatever is given in this expression, na, that we have to take for the first step. H2O2 plus I negative slow, H2O plus IO negative banta hai. Isko utha lo, because it is not having any role in the overall reaction. Ek H2O2 aur utha lete hai. Because main reaction mein 2H2O2 hai, aur yahan pe 1 de rakha tha. To hume to 2 pure karne hi hai na. To H2O2 plus IO negative fast, H2O plus I negative plus O2. Right? 25th question which I have written, one example each of 0, 1st, 2nd and 3rd. ये हम पहले भी कर चुके हैं, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, राइट. उसके बाद है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. सी क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे. इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन ए प्रोडक्ट बना रहे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और हमने अभी पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है दैट इज equal to K, यानी कि rate constant, into concentration of reactant, raised to the power, जो reaction है. अब zero order की reaction है, तो हमने zero ले लिया. Minus dA upon dt, what is this basically? Rate को represent कर रहा है. Equal to K, A की power zero. Because A की power zero हो, तो one माना जाता है. So minus dA upon dt equal to K आ गया. तो dA equal to minus K dt, right? Integration करेंगे इसकी, तो क्या आएगा? dA का बन जाएगा a माइनस के टी प्लस आई. वॉट इज आई? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसकी वैल्यू पता करने के लिए अगर t जीरो होता तो a क्या था? a नॉट. a नॉट क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन. सो वेयर i इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन t वॉज जीरो, देन a यानी कि बची हुई कंसंट्रेशन. ये पता क्या है, मान लो ये टाइम है 20, तो 20 मिनट पर जो कंसंट्रेशन होती है ना, ये वो होता है. और ए नॉट क्या है? जो कंसंट्रेशन हमने स्टार्टिंग में ली थी. टी जीरो का मतलब है जब टाइम जीरो होता है, यानी कि रिएक्शन हमने स्टार्ट ही नहीं की थी, तब जो कंसंट्रेशन थी दैट वाज ए जीरो. नाउ ए नॉट या ए जीरो इज इक्वल टू, इसी में पुट कर दो, ए की जगह ए नॉट आ जाएगा, माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, राइट. तो आई किसके इक्वल आ गया? ए नॉट के. अब इस आई की जगह पे ए नॉट को लिख दो, तो a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट जीरो, और वी कैन से के टी, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए हो जाएगा, राइट. अब हमने करना क्या है? अब हमने इसका ग्राफ इसके साथ प्लॉट करना है. आपको पता है जिन दो लोगों का ग्राफ लेना हो ना, अगर उसके बीच में माइनस का साइन है तो ग्राफ ऐसे होता है. ऐसे ग्राफ का मतलब है कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा, एंड हियर स्लोप इज माइनस के, ये रहा. तो ये कौन है फिर? इंटरसेप्ट, राइट. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, के को नीचे ले आओ, राइट. अब हम निकालेंगे टी हाफ. टी हाफ क्या होता है? टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ पीरियड. इट इज द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू बी कम्प्लीटेड, यानी कि जितना समय आधी रिएक्शन को ख़त्म होने में लगेगा उसी को हम टी हाफ कहते हैं. टी हाफ पर जो कंसनट्रेशन है बची हुई वो इनिशियल की हाफ हो जाएगी. यस, तो इस टी की जगह टी हाफ लगा दो और इस ए की जगह ए नॉट बाई टू लगा दो, यू विल गेट टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के. टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसनट्रेशन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस इज डैम इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यू नो ये किसी भी तरीके से एग्जाम में आ जाता है. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट. ओके, नाउ इन आवर सिलेबस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की भी एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर है. कंसिडर द रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए की पावर वन. पिछले वाले में क्या था? यहाँ हमने जीरो ले लिया था तो इसको ख़त्म कर दिया था, वन मान लिया था, बट यहाँ ये है. नाउ डी ए अपॉन ए, आप ए को इधर ले जाओ, माइनस साइन उधर ले जाओ, माइनस के डी टी. अब इसकी इंटीग्रेशन करो, तो एल एन ए माइनस के टी प्लस आई, इसकी इंटीग्रेशन पर आपको ये आएगा. आई इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वही पीछे वाले की तरह. जब ये आई कौन है? जब टी ज़ीरो होगा तो ए ए नॉट के इक्वल कर देना. ये देखो टी ज़ीरो, देन लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट, एंड लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह आपका
ए नॉट आ जाएगा, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें इसका ग्राफ टी के साथ लेना है। सी केयरफुली, जिन दो लोगों का ग्राफ लेना हो उनके बीच में अगर माइनस का साइन हो तो ग्राफ ऐसा होता है। इसका नेगेटिव स्लोप होगा जिसका आंसर माइनस के होगा, तो ये कौन होगा, इंटरसेप्ट, बचा हुआ हमेशा इंटरसेप्ट होता है। अब इक्वेशन टू को हम एल ओ जी वाला लॉग भी ले सकते हैं। आपको पता है एल ओ जी क्या होता है, एल एन इक्वल टू 2.303 लॉग के इक्वल होता है, राइट। सो लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को। अब इस केस में अगर आप इसका ग्राफ टी के साथ प्लॉट करेंगे तो अब की बार स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 ही आएगा, राइट। ये देखो पिछले वाले में खाली माइनस के था ना, क्योंकि उसमें के नीचे 2.303 नहीं था। अब इसमें है, जो टी के अलावा जो भी बचेगा ना उसको हम स्लोप में काउंट करते हैं। ऑल्सो के टी यानी कि ऊपर वाले को हमने वो कर दिया, लॉग ए नॉट को ऊपर ले गए हम, के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। दिस इज इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये बची हुई कंसेंट्रेशन है। कब की बची हुई, इतने समय पे। अगर मान लो एक रिएक्शन 30 मिनट्स में होती है, टाइम अगर 20 है तो ये कंसेंट्रेशन 20 मिनट्स वाली ही ली जाएगी। सो इट इज़ बची हुई कंसेंट्रेशन। बट ये वाला एक्सप्रेशन आपको हमेशा याद रखना है, इसके ऊपर ढेरों न्यूमेरिकल्स हैं। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, इसको उठा के हम उधर ले गए हैं, लॉग माइनस का निशान हो तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, लॉग ए नॉट अपॉन ए हो जाएगा, राइट। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए हो जाएगा, राइट। तो K क्या है, रेट कांस्टेंट। अब इसका भी T हाफ लाइफ हम लोग निकालेंगे। T हाफ पर जो ये A था ये ए नॉट अपॉन टू हो जाएगा। टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय टू। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, लॉग टू होता है 0.301 सिर्फ, तो टी हाफ हो जाएगा दिस अपॉन के इंटू 0.303, 0.693 अपॉन के। डिड यू नोटिस कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, एंड दिस इज वंस अगेन डैम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जनरली, राइट। अब इसमें क्वेश्चन है कि के की वैल्यू 200 पर सेकेंड है, तो आप वो निकालिए, टी हाफ निकालिए, राइट। और टी हाफ कैसे निकालेंगे, 0.693 अपॉन 200 टी हाफ, इट शुड बी देयर टी हाफ। के गिवन है, टी हाफ निकालेंगे, एक ही बात है, के गिवन है टी हाफ निकालना हो तो ये फॉर्मूला, टी हाफ गिवन है के निकालना है वंस अगेन दिस फॉर्मूला। सो टी हाफ ये जनरल एक्सप्रेशन है। कभी कभी एक बार ये भी आया हुआ था किसी सैम्पल पेपर में कि टी हाफ का कंसेंट्रेशन के साथ जनरल एक्सप्रेशन लिखो, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ये जीरो होगा तो ए की पावर माइनस 1 हो जाएगी, ए ऊपर चला जाएगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो 1 माइनस 1 0, यानी कि टी हाफ इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं बहुत सारे और मैं चाहूंगी कि पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। सी, दीज आर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। शो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ रिएक्शन टू टेक प्लेस इन अबाउट इज अबाउट 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये हमें प्रूव करना है। लेट मी टेल यू, ऐसे एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि इतनी रिएक्शन 10 मिनट्स में हो गई तो 20 मिनट्स में कितनी होगी, राइट। ये नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने करना क्या है, टी 99.9% इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ का मीनिंग क्या है। टी के फुट में जो भी लिखा होता है ना, इसका मतलब इतनी रिएक्शन हो चुकी है, राइट। सो टी 99.9% का मतलब है इतनी रिएक्शन हो चुकी है इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100। ये 100 कहाँ से आया, इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 होती है परसेंटेज के केस में, राइट। तो 0.1 कहाँ से आया, 99.9% हो चुकी है तो बची कितनी, यहाँ पे बची हुई लेते हैं, दैट इज 0.1। अच्छा, इसको डिवाइड कर दो किससे, टी हाफ से।
टी हाफ कितना था हमने अभी तो निकाला, 0.693 अपॉन के इक्वल होता है। आप इससे काट दो और आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा और आपका प्रूफ आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है, इतनी है 318 केल्विन पे। तो कहता है कंसंट्रेशन 60 मिनट्स के बाद जो बची वो इतनी थी, यानी कि टाइम 60 है, इनिशियल ए नॉट इतना है, बची हुई इतनी है, के हम निकाल लेंगे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, यानी कि 60 मिनट्स लॉग ए नॉट की जगह पे इनिशियल और ए की जगह पे बची हुई कंसंट्रेशन, एंड वी कैन कैलकुलेट दिस और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड दैट हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन लिविंग ट्री एस्टिमेट द एज ऑफ सैम्पल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि टी हाफ इज गिवन, हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, और इससे हम के निकाल लेंगे, राइट। और अब कहते हैं कि एक वुड मिली हमें और वुड में ना 80% है, 80% का मतलब है ये बचा हुआ है, इनिशियल कितना था 100, तो इनिशियल की जगह पे हम लोग 100 लिखेंगे और बची हुई की जगह पे हम लोग 80 लिखेंगे। देखो टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 5730 अपॉन 0.693 लॉग 100 अपॉन 80, यानी कि 1845 ईयर्स आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये लॉग नॉर्मली वैल्यूज गिवन होती हैं, नहीं भी होती तो हमें लॉग टेबल प्रोवाइडेड होती है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, जैसे ये था कि हैड ओनली 80%, यानी कि 80% बची हुई कंसेंट्रेशन है, इनिशियल कितनी थी 100 थी, वो हमने इसमें नोटिस कर लिया। एक और क्वेश्चन है हमारी NCERT में, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज स्ट्रॉन्शियम। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था तो एक प्रोडक्ट था आपका स्ट्रॉन्शियम 90, जिसका टी हाफ था 28.1 ईयर्स। कहता है 1 μg स्ट्रॉन्शियम जो था एक न्यूली बॉर्न बेबी की बोन्स में एब्जॉर्ब हो गया। अब वो बच्चा बड़ा होगा तो कहता है कि जब वो 10 ईयर्स का हो जाएगा तो उसके बॉडी में कितना स्ट्रॉन्शियम बच जाएगा, और जब वो 60 साल का होगा तब का भी निकालो। इसका मतलब हमको बची हुई कंसेंट्रेशन निकालनी है, इनिशियल कितनी है 1 μ है। अच्छा, पहले हम फॉर्मूला पुट करते हैं, के गिवन है डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ, टी हाफ दिया हुआ है, और टी हाफ से हम लोग के निकाल लेंगे, निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद टी कितना है टाइम 10 ईयर्स इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू ये है, दिस इनटू दिस अपॉन दिस आ गया, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये मैंने जानबूझ के लिखा, हम ए की जगह पे 1 अभी नहीं लिख रहे, ये हम लास्ट में लिखेंगे। डू वन थिंग, ये सारा सामान उठा के उधर ले जाओ तो आ जाएगा 1/7 0.142। अब आपने क्या करना है, लॉग को इधर ले आओ तो बन जाएगा एन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यानी कि ए नॉट अपॉन ए बची हुई इज इक्वल टू एन टी लॉग 0.142। इसका एंटी लॉग निकाल लो। एंटी लॉग निकालने के लिए आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ, पॉइंट से पहले जो भी लिखा होता है ना उसको 10 की पावर बना देते हैं, राइट, और 0.14 का 2 के नीचे देख लो एंटी लॉग की टेबल में, तो ये आ गया। अब ये जो भी आंसर आएगा ना, यहाँ आप 1 लिख दो तो ये उधर चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। ओके, सिमिलरली आप 60 ईयर्स के बाद भी निकाल सकते हो, सिंपल है, जहाँ आपने 10 यूज़ किया था वहाँ 60 ले लो, बाकी सारा न्यूमेरिकल आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीशन ऑफ 90%। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए दो एक्सप्रेशन लिखो और उनको डिवाइड कर दो। कैसे? टी 99% का मतलब है इतने परसेंट रिएक्शन हो चुकी है, तो ऊपर क्या आएगा 100, नीचे आएगा 1, बिकॉज 100 में से 99 गए तो 1 होता है, राइट। टी 90%, अब टी 90% को नीचे लो, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 10, बिकॉज 90% में बची हुई कंसेंट्रेशन 10 होगी, इट विल बी कैंसल्ड आउट। इसको आप सॉल्व करो तो ये ट्वाइस आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। इसमें आप पहले के निकाल के फिर टी ऑफ कर सकते हो, या इन दोनों को साक्षात पहले ही डिवाइड कर दो, जैसे हम सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, राइट।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन. कंसिडर अ सर्टन रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट विद के इक्वल टू इतना. कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड. इसमें भी बची हुई कंसेंट्रेशन निकालनी है. इनिशियल दे रखी है, के दे रखा है, टी दे रखा. एवरीथिंग इज गिवन. सिमिलरली आप निकाल लोगे, राइट? आपने करना है ये सब कुछ अपने आप से भी देखने के बाद. नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन विच द गैसियस रिएक्शन इज गिवन. सी फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन. ये रिएक्शन है, जीरो समय पर टोटल प्रेशर 0.5 था. यानी कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, यानी कि हमने स्टार्ट नहीं करी, तो 0.5 प्रेशर किसका था? सारा का सारा इसी का था. कहते हैं 100 सेकेंड्स के बाद, टाइम अपॉन सेकेंड का मतलब है यूनिट सेकेंड है, 100 सेकेंड के बाद टोटल प्रेशर हो गया 0.512. अब ये प्रेशर किसका है? तीनों का, राइट? अब हमें कहता है कि आप रेट कांस्टेंट निकालिए. यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट. देखो हम पहले रिएक्शन लिखेंगे. शुरू में इसकी कंसंट्रेशन है 0.5, इन दोनों की कितनी है? 0 और 0. 100 सेकेंड के बाद मान लो इसके 2P, यानी कि 2 प्रेशर. आप इसको कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स दोनों कंसिडर कर सकते हैं. 2P इसका जो प्रेशर था वो रिएक्शन कर गया, तो बचा कितना? 0.5 माइनस 2P. इसका प्रोड्यूस कितना हुआ? 2P. हमने 2P क्यों लिया? P भी तो ले सकते थे. अरे आगे 2 लिखा है ना, तो आसानी हो जाती है. अगर हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशेंट के बराबर ले लेते हैं ना, तो हमें इजी रहता है. इसका 2P डिक्रीज हुआ, 2P इंक्रीज हुआ, P इंक्रीज हुआ. अब हमें अपने एक्सप्रेशन में इसको लेना है. इसको बोलते हैं बचा हुआ प्रेशर, लेकिन P की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है. वही तो निकालेंगे हम लोग. कैसे? दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि उसने ऊपर कह रखा है कि टोटल प्रेशर 0.512 है. तो हमने यहाँ पे लिखा और हमारी P की वैल्यू आ गई 0.012. अब इसमें P की जगह पे 0.012 लिख दो और इस पूरे को हम यहाँ लिख सकते हैं. देखो 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर यानी कि 0.5, बचा हुआ प्रेशर यानी कि ये, और लिख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट है. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज के इतना. 240 डिग्री पे रिएक्शन इज अलाउड टू रन फॉर 10 आवर्स. व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन वुड हैव चेंज टू द प्रोडक्ट्स एंड व्हाट इज डी हाफ? सिंपल, इनिशियल कंसेंट्रेशन को हमको 100 लेना है और बची हुई कंसेंट्रेशन जो आएगी ना, उसको इनिशियल में से माइनस कर देंगे, तो उतनी डिकम्पोज हो गई है. दैट्स इट, वेरी सिंपल. फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. आपको करना क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सामान ढूंढते हैं. हाँ भाई, क्या क्या दे रखा है? जो जो दे रखा है उसको उठाते जाओ, पुट करते जाओ, यू विल गेट द आंसर. ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. इसको समझने के लिए हमें पहले मैक्सवेल का ग्राफ देखना पड़ेगा. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज. इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ऊपर वाले को, नीचे वाले को बाद में देखेंगे. इस ग्राफ को ध्यान से देखो. हियर वी हैव टेकन फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हियर वी हैव टेकन एनर्जी, राइट? अब इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी बहुत कम मॉलिक्यूल्स की है, ये वाली एनर्जी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की है. अगर मैं आपसे पूछूं विच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप इसका नाम लेंगे. अच्छा, और बड़ी ज़्यादा एनर्जी कम लोगों की होती है. अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना ज़रा, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा तो मैं आपको पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी बताती हूँ, राइट? ये देखो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है. यहाँ पे हमने एनर्जी ले रखी है, राइट? ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है. रिएक्टेंट की एनर्जी मान लो यहाँ पे 5 है, और प्रोडक्ट की एनर्जी मान लो यहाँ पे 15 है. से फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी मान लो 30 है, फॉर एग्जांपल, ओके? अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है, तो ये कहता है मेरा पहले ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा. चाहता तो ये 10 किलो जूल लेके 15 में कन्वर्ट हो जाता, प्रोडक्ट में चला जाता, बट नहीं, इसकी थोड़ी ना चलेगी. हमेशा हर रिएक्टेंट को एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है. ये रिएक्शन बोलती है, बोल तेरी एनर्जी 30 है तो तू जा सकता है, नहीं है तो नहीं जा सकता. कहते नहीं, मेरी तो एनर्जी 5 है. तो हमने कहा ठीक है. कहते 25 मुझे बाहर से दे दो, मैं 30 हो जाऊंगा, राइट? जो एनर्जी हम बाहर से देंगे ताकि ये इसकी एनर्जी
इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए चाहिए होती है ना, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी कहते हैं मुझे 25 किलो जूल दे दो तो मैं अभी चला जाऊंगा, प्रोडक्ट बना लूंगा। ओके, हमने कहा बाहर से दे देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट इट मे क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड इट्स एनर्जी में इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि कुल मिला के रिएक्शन कहती है तेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होएगी तो तू प्रोडक्ट बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वही वाला एनर्जी बैरियर है। जितने मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो जब टक्कर मारेंगे तो उनका प्रोडक्ट बनेगा। जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी वो जितना मर्जी टक्कर मार ले, कोलाइड कर ले, लेकिन उनका प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। इसीलिए इनको एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आप घरों में गैस है, आपके घर में आप खाना बनाना चाहते हो तो आप जब ऑन करोगे तो आपको स्पार्क देनी पड़ती है लाइटर से, अब तो ऑटोमेटिक भी आ गए हैं, लेकिन एक चिंगारी तो देनी पड़ती है। वो चिंगारी बेसिकली जो स्पार्क होता है दैट इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कोयले को जलाते हो, आपको शुरू शुरू में जलाना पड़ता है, उसके बाद तो वो ढेर सारी एनर्जी देता है, लेकिन शुरू में तो जलाना पड़ता है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एक्टिवेशन एनर्जी। इस दुनिया में कोई भी रिएक्शन बिना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के नहीं होती है। तो ये हमारे लिए वरदान है, ये हमारे लिए बून है। कैसे? इसी की वजह से ही तो हमारे घरों में एलपीजी पड़ी है आराम से। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ना होता तो दुनिया के सारे फ्यूल अपने आप ही जल के मर गए होते, खत्म हो गए होते, तो हम तो फ्यूल कभी स्टोर ही ना कर पाते। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। राइट, मैंने सारा बता दिया। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। TE-ER को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन रिवर्स भी आना चाहेगी तो बैकवर्ड रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये हो जाएगा। ये फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है, अगर कहीं आए तो। चलो वापस चलते हैं मैक्सवेल पे। मैक्सवेल कहते हैं भाई ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इतने मॉलिक्यूल ही केवल प्रोडक्ट, अगर हम इस रिएक्शन पे जाएं, इस वाले पे जाएं, तो ये कहता है कि केवल इतने मॉलिक्यूल ना प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे। तो रोने बैठ जाते हैं, यार हम नहीं बना सकते। कहते तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी ही नहीं है, केवल इतने मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है, हमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट भी हो गया और डाउन भी हो गया, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या घट गई। तो अब रिएक्शन बोलती है, अब हमने कहा हाँ भाई, अब जितने मान लो 10 मॉलिक्यूल पहले प्रोडक्ट बना रहे थे अब 20 बनाएंगे। क्यों? 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से ऐसा क्या हो गया? उन मॉलिक्यूल की संख्या डबल हो गई जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा थी। तभी तो 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड मोर भी डबल हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। राइट, अब ई ए इज एनर्जी गिवन फ्रॉम आउटसाइड, मैंने बता ही दिया TE-ER होता है। एक ये वाली बात याद रखना, जिस भी रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। राइट, कैटलिस्ट क्या करता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देता है और रिएक्शन के पाथ को बदल देता है, इसलिए रिएक्शन की स्पीड को नॉर्मली इंक्रीज करता है। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। पहली, थ्रेशोल्ड एनर्जी जरूर होनी चाहिए भाई। दूसरी, उसको टकराना जरूर है, कोलिजन करना है। और प्रॉपर ओरिएंटेशन, सही जगह से टकराना है, यानी कि कहीं से भी टकरा लो। एक बार क्वेश्चन आया था, एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट टक्कर भी मार रहे हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है, फिर भी रिएक्शन नहीं हुई, तो जरूर उसकी ओरिएंटेशन नहीं होएगी। यस, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी। लेकिन हम साइंस वाले लोग कहते हैं हमें बातों से मत समझाओ, हमें तो फॉर्मूला बताओ जिसमें ये पता चले कि टेम्परेचर पर कितना इफेक्ट डलता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। सो इट वॉज गिवन बाय आर्हेनियस इक्वेशन। वॉट इज दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन? क्वांटिटेटिवली इट वॉज गिवन बाय आर्हेनियस इक्वेशन। के इक्वल टू AE-EA/RT, वेयर के इज द रेट कॉन्स्टेंट, ए इज द आर्हेनियस कॉन्स्टेंट और फ्रिक्वेंसी फैक्टर, यानी कि लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो कितने लोग टक्कर मार रहे हैं। E^(-EA/RT) इसे हम कहते हैं, ये तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है,
गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर इन केल्विन है. आर की वैल्यू हियर इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू किसी भी रिएक्शन का ई ए जो वो जीरो नहीं हो सकता. सोच के देखो क्यों नहीं हो सकता. अगर ई ए जीरो हो जाएगा तो ये सारा फैक्टर खत्म, के ए के बराबर हो जाएगा. यानी कि जितने मॉलिक्यूल टक्कर मारेंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे. बट ये तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बीकर में सभी मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो. कैन नेवर हैपन. ओके, तो फिर कहता है ई ए नेगेटिव हो सकता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. अगर ई ए नेगेटिव होगा तो के विल बी मोर देन ए, यानी कि जो लोग टक्कर नहीं मार रहे वो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. तो दोनों सिचुएशन में ई ए ना तो जीरो हो सकता है ना ही नेगेटिव, यानी कि हर रिएक्शन का होगा ही होगा. ये आंसर्स लिखे हुए हैं, राइट. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, पहले हमने एल एन वाला लिया था. ln k = ln a माइनस ई अपॉन आर टी. आई हैव टोल्ड यू कि ln को LOG में बदलने के लिए 2.303 वी हैव टू टेक, तो हमने यहाँ लिया. तो log k इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. सो मेनी न्यूमेरिकल्स कैन बी सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट. अगर k1 हो टेम्परेचर T1 पे, k2 हो टेम्परेचर T2 पे, यानी कि रिएक्शन सेम है, T1 पे K1 है, T2 पे K2, तो रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, राइट. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 298 से, यानी कि T1 298 है और 308 T2 है, और डबल का मतलब है के टू अपॉन के वन टू आ जाएगा लॉग टू. तो कहता है ई ए निकालो, निकाल सकते हैं. गिवन गिवन गिवन, नोन नोन, बस आप ई आराम से निकाल लोगे. आप खुद से भी सॉल्व करो न्यूमेरिकल्स. जब तक आप कॉपी पेन पे खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आने वाला है, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. और भी ले लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेल These are NCERT questions, very important. ये हो गया आपका. The decomposition of hydrocarbon follows the equation k equal to this e this this. आपको पता है कि ये कौन सी equation है, k equal to a e raised to the power minus to ea upon 2.303 rt, याद है, ये वही formula है. So ये ए के इक्वल हो गया. उसने हमें कहा ई ए निकालो. ये जो पूरा फैक्टर है ना ई की पावर वाला, ये माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर है. यानी कि इसको माइनस ई ए अपॉन आर टी के इक्वल लिख दो और आपका ई ए कैलकुलेट हो जाएगा. ये आप आराम से दोबारा से देख लो, ठीक है. ये क्वेश्चन है आपका, रेट कॉन्स्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, अच्छा नीचे भी सेम था और हमने पहले नहीं किया. एनीवे हाइड्रोकार्बन इज इतना एट इतना ई ए गिवन है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी कि हमसे ए पूछा जा रहा है. लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये निकालना है ना. तो लॉग के को इधर ले जाओ, एवरीथिंग इज गिवन, यू कैन कैलकुलेट. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नथिंग एल्स, और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट. नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी का थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द लास्ट टू थ्री क्वेश्चन. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% डीकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 298 केल्विन पे इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर द 25% डीकम्पोजिशन एट 308 केल्विन. इफ वैल्यू ऑफ ए इतनी, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन एंड ई ए. देखो टी वन यानी कि आप 298 वाले को मान लो इक्वल टू 2.303 अपॉन के 298 वाला लॉग 100 अपॉन 90, क्योंकि 10% का मतलब ही ये होता है कि बची हुई कंसेंट्रेशन 90 है. तो टी टू आ जाएगा, ये कहते ये दोनों बराबर हैं, इनको इक्वल कर दो. टी वन से टी टू कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया. आप निकालो तो के टू अपॉन के वन, मैंने के टू अपॉन के वन क्यों बोला, 308 हायर टेम्परेचर वाला के टू हो गया, के वन 2.7 आ गया. तो आप जो है ना log k2 अपॉन k1, इसकी जगह पे log 2.7 लिखोगे आप, और फॉर्मूला वही लगाया और आपका ई ए निकल आएगा, राइट.
वंस ई ए इज़ कैलकुलेटेड, आप फिर दोबारा किसी भी टेम्परेचर पर के आप आराम से निकाल सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, राइट. और एन सी आर टी का कोई आप एक बार ट्राई करो, अगर कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क मी, और मुझे आप उसमें डाल दीजिए सजेशन वाले में, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगी. ओके सो मेरे ख्याल से आपने साथ साथ नोटिस भी कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो कोई दो तीन बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, राइट. ओके ऑल द बेस्ट.